हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईजी टेक चैनल पर। आज की खबर सुनकर आप जरूर खुश हो जाएंगे, खासकर अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर रोज सफर करते हैं। जी हां, अब अगर आप अपनी प्राइवेट कार से 20 किलोमीटर तक सफर करते हैं तो आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। चलिए आपको बताते हैं इस नए सिस्टम के बारे में। अब आपको यह सुविधा मिलेगी GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से। सरकार ने नेशनल हाईवे फेस्ट नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अगर आपकी गाड़ी में GNSS सिस्टम इंस्टॉल है और आप रोजाना 20 किलोमीटर तक हाईवे पर सफर करते हैं तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, ये सुविधा केवल प्राइवेट वाहनों के लिए है, टैक्सी या कमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं। सरकार ने इस नई टेक्नोलॉजी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ खास हाईवे पर लागू किया है। अभी तक इसे बेंगलुरु मैसूर NH 275 और पानीपत हिसार NH 709 पर शुरू किया गया है। अगर ये सफल रहा तो जल्द ही इसे और हाईवे पर लागू किया जाएगा। पर है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास फास्टैग है तो क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। GNSS टेक्नोलॉजी फास्टैग के साथ भी काम करेगी। इसका मतलब ये है कि अब गाड़ियां बिना रुके टोल प्लाजा पार कर सकेंगी और आपको सिर्फ उतनी ही दूरी का भुगतान करना होगा जितनी आपने यात्रा की है। यानी अगर आप हर दिन 20 किलोमीटर या उससे कम हाईवे पर सफर करते हैं तो कोई भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी यात्रा 20 किलोमीटर से ज्यादा होती है तो आपको उसी के हिसाब से टोल देना होगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि इस सिस्टम से गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और ये टोल कलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बना देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी हाईवे पर रोज सफर करते हैं तो ये नई व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आईजी टेक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल और टेक से अपडेट रहिए।